ओके सो हम लोग सर्किट देख रहे थे एंड सर्किट के लिए ही है ना, एक तो हमने बेसिक रेजिस्टेंस वाला सर्किट देखा था और सर्किट के लिए ही स्पेशली हमें पढ़ना है, लिखते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। करंट लॉ शॉर्ट में लोग KCL भी यूज करते हैं, ठीक है ना, किरचॉफ्स करंट लॉ। देखिए लॉ क्या होता है, लॉ ऐसे थ्योरेटिकली बोले बहुत सिंपल है, क्या है, ऐसा है I1 किसी को भी 1 2 लिखते हैं, 1 2 3 4 हाँ, और ये हमारा J, हम जंक्शन लिखते हैं। तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है ना, जो लॉ की हम लोग बात कर रहे हैं वो ये है, करंट ऐसे लिखते हैं, नेट करंट टू द जंक्शन, हां पहला ऐसा कर लेते हैं, यहीं पर लिखते हैं नेट करंट एंट्रीम लिख देते हैं, हाँ, एंट्रिंग टू द जंक्शन इज जीरो, समझे, इसी बात को जैसे ये लिखे ना, तो हम इंटर करने वाले को आप प्लस लिख लो, जैसे मैं लिखूंगा कि ये आई वन आपका माइनस आ जाएगा, आई टू आपका प्लस आ जाएगा, आई थ्री भी लीविंग द जंक्शन है तो माइनस में आएगा, और आई फोर भी आपका माइनस आएगा, ये मिला के जीरो। नाउ ऐसे भी लिखा जाता है नेट करंट, हां जी, लीविंग द जंक्शन इज जीरो, मतलब जो जा रहा है अब लीविंग को क्या बोलते हैं, जो निकल रहा है उसको आप प्लस लिख लो, तो I2 को आप माइनस लिखना पड़ेगा, समझ रहे हैं, ये नोटेशन वाला बात है या एजम्पशन वाला बात है। एंट्रिंग वाले को अगर हम प्लस मानते हैं, I1 नेगेटिव जा रहा है, I2 पॉजिटिव, ये हाँ, या इन टोटल क्या होता है ना, हम ये लिखना चाह रहे थे एट अ जंक्शन, हाँ, करंट एंटरिंग और नेट जैसे भी है, करंट लीविंग द जंक्शन, हाँ जी, या आप बोल सकते हो नेट हाँ, ऐसा करते हैं, नेट नहीं लिखते, कंप्लीट लिखेंगे, ये बोला क्या जा रहा है ना, ये ज्यादा बेटर होगा कि ऐसे लिख सकते हैं कि टोटल करंट एंटरिंग एंड टोटल आपका जो है लिविंग द जंक्शन। अब यहां पर क्या है, इंटर करने वाले को आप प्लस लिखिए, इंटर करने वाला मेरे को एक दिख रहा है आई टू और लिविंग द जंक्शन आई वन प्लस आई थ्री प्लस आई फोर, मैं बोलूं कोई एक इन तीनों में से लिखिए, आपको तीनों सेम ही चीज है बेसिकली। इसका अगर हम ओरिजिन की बात करें या कंसेप्चुअल बात जो है इसके पीछे, वो ये है कि इसका जो बेसिस है या प्रिंसिपल है ना, हम लोग अगर लिखें
प्रिंसिपल ऑफ केसीएल इज, पता है क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बिल्कुल। हाँ ना, देखिए बात ऐसा बोला जाता है कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो वनली क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह या एक ऑब्जेक्ट से दूसरी जगह ट्रांसफर करा सकते हैं। बात यहां पर यही है कि जितना चार्ज इंटर करेगा उतना ही जाएगा, हाँ, ना तो क्रिएट होगा और ना ही वो डिस्ट्रॉय होगा। तो बात आता है कि जितना चार्ज आ रहा है उतना ही जा रहा है, कैसे, विद इन सेम टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम ही तो करंट होता है ना। तो आप इस चीज को ध्यान रख सकते हैं। हम बोलेंगे कि कोई इनमें से एक याद रखिएगा, और मेरे ख्याल से हम जो लिखते हैं करंट के हिसाब से वो इसको ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि करंट अक्रॉस द रजिस्टर जो है हमने लिखना सीखा है, पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख देंगे ना। इससे रिलेटेड, ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं एंड देखते हैं कैसे करा जाएगा। ये देखिए, ये तीनों पॉइंट आप लिख सकते हो एज ए लॉ, ये आपका प्रिंसिपल वाला बात है, किरचॉफ्स करंट लॉ, वो तीनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, यस, ऐसा है, 1 ओम 2 ओम 2 ओम दोनों, और अगर हम लोग नोमेनक्लेचर कर लें ए बी सी डी ई एफ, हाँ जी, हमें बताना है फाइंड द करंट, करंट इन ईच ब्रांच। यस, सब ब्रांच में हमें करंट बताना है। देखिए अभी भी जो हमें आइडिया है वो इतना ही है कि वंस हमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर पता होगा तभी हम करंट लिख पाएंगे, और यही चीज हम लोगों ने पढ़ा भी है ना। देखिए बात ऐसा है कि इसको कैसे सॉल्व करा जाए, देखिए, हाँ मैंने बोला था, आप देखो कहीं पर भी पोटेंशियल रेफरेंस जीरो जरूर मान सकते हैं। मैं इसको जीरो मान लू तो नॉर्मल वायर, ये भी जीरो, ये भी जीरो, इसे ये माइनस से प्लस, मतलब ये 10 वोल्ट हो जाएगा। आई होप ये सब हम समझा चुके हैं, ये 5 वोल्ट हो जाएगा, हाँ जी, इससे ये इतना ज्यादा है, नॉर्मल वायर का कुछ भी नहीं लेते हैं। हाँ, बात आता है सी का क्या होगा, और अगर सी का नहीं पता है, एक जगह पर रेफरेंस ले रखे हैं, आप चाहें तो सी को भी जीरो लिख सकते थे, ठीक है ना। तो हम इसका पोटेंशियल नहीं लिख पाते, नॉर्मल वायर है सेम रहेगा, बैटरी है पता है कि ऐसे रहेगा, है ना। आप देखिए, हम सी के पोटेंशियल को मान लेते हैं 1 वोल्ट, हाँ, और क्या क्या करना चाहिए, हम एक्स एक्स ही लिखो, वी नहीं लिखते, एक्स वोल्ट, है ना। नाउ एक्स वोल्ट मान लिया, अब बात ऐसा है ना कि इससे मैं मान रहा हूं कि चलिए ये करंट आई वन है, ये आपका आई टू है, और ये आपका आई थ्री है, ये तीनों जा ही रहे हैं। हम ये बोलना चाह रहे हैं, सॉल्यूशन अगर मैं बात करूं तो, कि नेट करंट लिविंग द जंक्शन जो है जीरो, मतलब एक आई वन जा रहा है, ये भी जा रहा है, और ये भी जा रहा है, और ये होना चाहिए जीरो, बिल्कुल। अब बात ऐसा आता है कि हम लोग करंट का कैसे लिखेंगे कि जा रहा है,
तो देखो बेसिकली आई वन जो है इस डायरेक्शन में, तो सी को बड़ा मानते हुए मेरे को आई वन देखिए क्या लिखना चाहिए, वी सी माइनस वी डी बाई जो भी है टू, ये आपका आई वन है। हाँ जी, इसी को बड़ा मानोगे तभी तो, बिल्कुल ऐसे ही लिखिएगा, वी सी माइनस वी एफ बाई टू, और वी सी माइनस हम मान ही रहे हैं ठीक है ना, ऑटोमेटिकली सी की वैल्यू ऐसी आएगी कि ये प्लस माइनस होके आ जाएगा, और आप एज पर द लॉ यूज करिए कि टोटल जो करंट जा रहा है उसमें से नेट मिला के क्या हो जाना चाहिए, जीरो। नाउ ये टर्म वी सी ऐसा आएगा ना, ये कुछ से ज्यादा होगा तो कुछ से कम भी हो जाएगा, देखिएगा कैसे। वीसी जो है एक कैलकुलेशन हम लोग लिख लेते हैं, वीसी की वैल्यू को एक्स माना है, माइनस टेन बाई टू प्लस एक्स माइनस एफ जीरो बाई टू प्लस एक्स माइनस फाइव बाई वन। हाँ जी, सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स माइनस टेन, एक्स माइनस जीरो और x माइनस फाइव, टू इंटू एक्स माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो, ये आ गया x, x और 2x, 5x माइनस टेन और माइनस टेन, ये x की वैल्यू 20 बाई फाइव यानी कि 4 वोल्ट, बिल्कुल राइट ना। अब इस तरीके से देखिए 4 वोल्ट आया है, आपको देख के भी समझ में आ रहा है, तो मैं पूरा निकाल दे रहा हूं और बता भी दूंगा कि ये कैसे आ जा रहा है। अब आप बस एक लाइन लिखिए, x आ गया, अब पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो हमको करंट लिखने में कोई ज्यादा दिक्कत आना ही नहीं है, एंड दिस इंप्लाइज आई वन, जैसा लिखा है उसी के अकॉर्डिंग आप लोग इस चीज को लिखिए, 4 माइनस टेन, सॉरी 4 आया ना, हाँ ठीक है, बाई 2, तो ये आ गया माइनस 3 एम्पियर, ये पहला ही नेगेटिव आ गया, बता रहा है कि ये इधर ना जाके इधर जाएगा। I2 जो था x माइनस 0 बाई 2, 4 बाई 2, 2 एम्पियर, ये इसका डायरेक्शन सही है, जिधर माना है इधर ही जाएगा 2 एम्पियर। I3 x माइनस 5 बाई 1, हाँ जी ठीक है, यहां पर जो आ रहा है x माइनस 4 माइनस 1 बाई 1, ये आ गया अपने को ठीक है, सॉरी VC, हाँ I3 x माइनस 5 ठीक है, सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये 4 नहीं ये 5 आ रहा है, हाँ गड़बड़ सॉरी 4 आ रहा है ना, 2 और 2, हाँ 4 ही आ रहा है, ये 4 आ रहा है तो ये आ जाएगा आपका, सॉरी ये 5 आएगा, सॉरी ये 4 तो ये 5 आएगा ना, ये 4 है तो ये आपका 5 वोल्ट आ गया, हाँ 5 वोल्ट आ गया तो आप करेक्ट कर लो, एनीवे कैलकुलेशन से कोई ज्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है, तो ये आ जाएगा माइनस 5 बाई 2, हाँ जी माइनस 2.5 एम्पियर, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर भी आप लिखोगे तो ये सीधे सीधे 5 बाई 2 सही आ रहा है, तो ये 5 बाई 2 आ गया यानी कि 2.5 एम्पियर, हाँ सही है, और ये आपका 5 माइनस 5 तो ये 0 आ गया, बिल्कुल गड़बड़ आ रहा था, 0 बिल्कुल सही है ना।
देखिए मेनली ये था कि हमें इन चीजों को इस तरीके से ही लिखना चाहिए, किरचॉफ्स करंट लॉ। मैंने एक ही चीज माना कि जितना करंट जा रहा है वो सब मिला के जीरो होना चाहिए, और मैंने जाने जाने का ही मान लिया, राइट ना? हाँ बिल्कुल, आप ऐड करके देख लो, बिल्कुल डायरेक्शन वाइज आ जाता है, एक माइनस एक प्लस है और नेट ये आ गया जीरो। ना एक अगर हम इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन लिखें, देखते हैं। देखिए वंस एक सर्किट में ना आपको पोटेंशियल बता दे, सपोज ए है और वो 2 वोल्ट लिख दिया, तो अब आप अपनी मर्जी से कहीं पर भी पोटेंशियल जो है नहीं लिख सकते हैं। हाँ सपोज ये बी है, इसको हम लोग 10 वोल्ट मान लेते हैं, 2 ओम मान लिया, ये 1 ओम मान लिया, सी एंड डी। देखिए हम आपको जो समझाना चाह रहे हैं कि अगर कहीं एक जगह का भी पोटेंशियल दे दिया ना, तो अब आप नहीं मानेंगे कहीं पर जीरो, बिकॉज कि देखो ये पूरा सर्किट नहीं दिया है, इस किसी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का कोई एक पार्ट दे दिया है। अब इसमें जो भी है, चलिए हम इसको ओ मान लेते हैं, हाँ ना। देखिए जो इंफॉर्मेशन है ये 2 वोल्ट 1 ओम 2 ओम 10 वोल्ट दिया है, इसको भी हम लोग 2 और 2, चलिए ये भी 2 ओम और इसको भी हम लोग 1 ओम, ये 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है और ये भी हम लोग 1 ओम। ना देखिए बी का पोटेंशियल देखिए बताना पड़ेगा तभी हम लोग लिख पाएंगे। हाँ अगर मैं इसका भी 5 वोल्ट मान लेता हूँ, इसका मैं 10 वोल्ट मान लेता हूँ, हाँ इसका भी मैं 5 वोल्ट मान लेता हूं, ये बताना पड़ेगा, ये गिवेन होगा, हाँ जीरो दे दिया ना। अब हमारा क्या है ना कि इसको सॉल्व करना है, फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच। अगर मैं लिख देता हूं कि ऐसे, चलिए ये हमारा I1 है, ये I2 है, ये आपका I3 है और ये आपका I4 है, समझ रहे हैं? तो हमें बताना है करंट इन ईच ब्रांच। हाँ जी, फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच, बिल्कुल ना। वापिस से देखिए क्या करना होता है ना, हम लोगों को लगाना अप्लाई करना यही चीज है, केसीएल ही अप्लाई करेंगे, और उसको कैसे करा जाता है या क्या ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने एक चीज बोला कि वंस अपने को एक जगह का भी पोटेंशियल दे दिया, एक जगह का भी, तो आप दूसरे जगह का आप अपनी मर्जी से नहीं मान सकते। हाँ हम वेरिएबल जरूर मान सकते हैं, और क्या क्या ध्यान रखना है वो देखिए। करंट हम तभी लिख पाएंगे, देखो ये करंट I1 जो है वो पूरे ये रजिस्टर से जा रहा है, ये करंट अगर आप I2 लिखोगे ये बैटरी रजिस्टर ये जा रहा है ना, तो ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है। अब देखिए क्या है ना कि अगर आपको I1 लिखना है, या मैं इस तरीके से लिखूं सॉल्यूशन की मैं बात करूं और KCL हम लोग अप्लाई करें, ठीक है ना, एट जंक्शन ओ, तो क्या है I1 I2 I3 ये नेट करंट इन जो हम लोग लिख रहे हैं वो जीरो होना चाहिए, राइट, और ये आ जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 मिला के आपका जीरो आ जाएगा। हाँ अब ध्यान देने वाली बात ये है ना कि I1 आएगा कितना,
I1 अगर हम लोग लिखेंगे तो पता है VO माइनस VA by 1, हाँ जी। I2 कैसे लिखें? बी केयरफुल, I2 लिखने के लिए हमको पोटेंशियल डिफरेंस लिखना पड़ेगा अक्रॉस द रजिस्टर, हाँ जी, VO डैश माइनस VD डैश बाई वन। ध्यान से ओ डैस, हाँ ओ को मैंने एक्स माना है, यही है एक्स मान लेते हैं, तो ओ डैस का इससे जो होगा 5 वोल्ट कम होगा, ओ डैस का जो पोटेंशियल आएगा ना वो आपका आएगा वी ओ में से कम हो जाएगा, दैट इज एक्स माइनस फाइव। सिमिलरली आपका जो D का पोटेंशियल है और D डैश का जो पोटेंशियल है, जितना D का है उसमें ये बढ़ेगा, बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है, मतलब D प्लस 5 आएगा, 5 एंड ये हाँ। नाउ O डैश की बात करेंगे तो ये आ रहा है x माइनस फाइव, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, या हम बोलेंगे कि करंट तभी लिख पाएंगे जब अपने को पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर पता। नाउ माइनस 10 बाय 1 x माइनस 15 बाय 1, राइट। सिमिलरली I3 लिखने के लिए मेरे को जो भी आप इस यहां पर चले जाइए, इसको मैं लिख लेता हूं, क्या लिखूं, O डैश लिखा है इसको चलिए मैं P लिख लेता हूं, समझे। तो मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस जो चाहिए था वो P माइनस C चाहिए बाय 2, जो रेजिस्टेंस है। VP कैसे लिखेंगे, X में से आप 10 वोल्ट कम करेंगे, हाँ जी, प्लस से माइनस आ रहा है ना, और C का जो है वो भी 10 ही है, बाय 2 एक्स बाई 2, यस। एंड सिमिलरली आपका I4 भी हमें लिखना पड़ेगा P, चलो इसको मैं मान लेता हूं Q, अक्रॉस द रजिस्टर चाहिए तभी करंट लिख पाएंगे इधर से, तो VO माइनस VQ, VO माइनस VQ बाय 2, तो O जो है X है, Q जो है Q का पोटेंशियल जो आएगा वो B में से 10 और बढ़ेगा, तो VB प्लस 10 आ रहा है, मतलब 15 वोल्ट बाय 2, हाँ जी। ये देखिए, ये चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए और इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, अक्रॉस द रजिस्टर अगर पोटेंशियल डिफरेंस पता है वी कैन राइट कि करंट कितना लिख सकते हैं, है ना। गलती से भी ऐसा नहीं कि आप O और D लिख के और ये डिवाइड कर दिए, नहीं, फिर ये बैटरी वैटरी है, ये करंट सही नहीं बताएगा, हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर डिवाइडेड बाय रजिस्टेंस ही उसका करंट होता है। नाउ फ्रॉम 1, 2, 3, 4 लिख सकते हैं, लिख लीजिए I1, I2, I3 मिला के 0, I1 x माइनस 2, देखिए ये इतना अलग अलग लिखने की जरूरत ही नहीं थी, आप ये लाइन डायरेक्टली लिख सकते थे यहीं से, प्लस सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हाँ जी, राइट। नाउ कितना है, सिक्स एक्स माइनस 4 माइनस 30
और माइनस 15 एक्स की वैल्यू आ गई 41/6 वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं है, आप इससे कोई पर फ्रैक्शन में आएगा, बाद बाकी सारे एक एक करके हम लोग लिख सकते हैं, है ना। I1 लिखा हुआ है, बिल्कुल I2 लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज सारी चीजें हमारा आ जाएगा, एंड दिस इज द वे कि हम क्रिचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई कर सकते हैं। ओके है ना, सो I1, I2, I3 आप चाहें तो लिख सकते हैं। I1 x माइनस 2/1 दैट इज की 41/6 माइनस 2। हां जी, जो भी आएगा आप उस चीज को कर लीजिए। हाँ, सिमिलरली I2, ठीक है ना, ये जोड़ के हमारा जीरो हो जाना चाहिए, राइट ना, नेक्स्ट, ठीक है। और ऑफ कोर्स ये हमारा स्टार्ट है क्रिचॉफ्स करंट लो, आगे और भी ये यूज ही होते रहेगा, या हम बोले कि सर्किट में आना ही आना है, है ना। नेक्स्ट हमारा आता है क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ओके उसको लिखते हैं।